पिया 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 रे तू पिया के गोलाम बनू, पिया की चरनिया कहाँ पे बेपापी मनाना, से पिया के चरनिया कहाँ ये जिया दिन रात पिया पिया करता है, ये आँख दिन रात पिया पिया करता है, लेकिन हमारे पिया बड़ा निकट्टर है, नहीं आते हैं हमारे पास। ये कान फड़कते रहती है कि कब उनकी आवाज है श्वेता, बट ऐसा नहीं होता है। हे पिया के चरनिया कहाँ पे बेपापी मनामा। फिर ये पापी मन को समझाती हूँ मैं कि अरे मन, अब तुझे वो धन नहीं मिलने वाला जिसका तुम इतना इंतजार कर रही हो, जिसके लिए तू पागल की तरह रोती है, पागल की तरह चीखती है। कल का डेट पूरा रात निकल गया मेरा रो रो के, एक आवाज सुनने के लिए, थोड़ा सा फेस देखने के लिए। तरस गई मैं, पर नहीं मिलता वो चीज मुझे। इंसान भी एक पंछी है, उड़ गया है। पंछी भी उड़ जाता है तो रात के शाम के अपने घोंसले में जाता है, हमारे तो ऐसे उड़े कि घोंसले में भी नहीं आते हैं। पूरा दिन रात निकल जाता है एक बात को टेंशन लेने। आईज काले पड़ने लगे हैं, सिर में दर्द नहीं खत्म हो रही है। नहीं मिलते हैं मुझे ये, कितना भी कुछ कर लो, कल से मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो गई है। क्यों झेलवाया भगवान इतना बड़ा दुख? क्या धरती पे सबसे ज्यादा पाप मैं ही की थी क्या? नहीं रहा जाता इनके बिना। बहुत अपने आप को हैंडल करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता है। सबके सामने दिखाती हूँ हंस के, जी लगता है अगला मेरे से ना परेशान हो। कितना दिखावा कर सकती हूँ? दिखावा का भी कोई लिमिट होता है ना। पूरा सिर में पेन हो रहा है, आईज में दर्द हो रहा है। आज ऑफिस भी गई थी तो सब बता रही थी, आईज पूरा सूजा हुआ था, मॉर्निंग में सारा सूज के मोटा हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों हुआ? बुढ़े बुढ़े इंसान धरती पर है जिसके कोई नहीं है कि वो चला जाए तो कोई गम भी हो सकता है। भगवान जिसको बिना पूरा दुनियादार हो गया, मेरा चिराग छीन लिया भगवान, चिराग छीन लिया। उससे अच्छा उनके भजन मेरा मौत दे देता। जब मेरे साथ मारपीट हो रहा था ना, उस टाइम मुझे इनका फेस और दोनों बच्चे का फेस याद आता था। ये भी मेरे बिना नहीं रह पाते क्योंकि इनको भी मैं ही हैंडल करके रखती थी, एक बच्चे की तरह।
यही लगता था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो ये कैसे रहेंगे, मेरा बच्चा कैसे रहेगा। अब मुझे लगता है उस दिन मैं अपने आप को क्यों बचाई थी, मैं उस दिन मर जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना मुझे। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कोसती हूँ, बहुत कोसती हूँ कि उस दिन मैं अपने आप को क्यों बचाई थी। कसम से ये जिंदगी जीने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं मन करता। बहुत अपने आप को हैंडल करती, बोलता है ना बच्चे के लिए सब चीज सोचती हूँ, सारा चीज करती हूँ। कल के डेट में भी हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो भी हमसे दूर हो जाएंगे। एक हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता होता है ना, ऐसा सुख में दुख में हर चीज में झेल के साथ में रहते। कैसे काटूंगी पूरा जिंदगी, जब ये थे ना तो बहुत प्लान करती थी, पता है बुढ़ापे के लिए ना कुछ पैसे सेव करके रखना, ऐसे करेंगे ये करेंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि बुढ़ापा तक साथ जीवन साथी रहेंगे हमारे, मुझे इतना बड़ा भागन बना कर चले जाएंगे। कन्हैया पे बैठाने वाले, धरती पे भी रहने लायक नहीं छोड़े मुझे। पूरे दिन अपने इस पे बैठा कर क्या नसीब था मेरा, घर मेरा सोना हो निर्गुण है ना, कंकड़ा चुनी ये चुनी, महला बना बलि लोग कहे घर हमारा ये राम, वही हुआ। एक घर बनाते टाइम मेरे हस्बैंड क्या गंजन नहीं सही, जब इस घर में रहने आए तो 1 साल कंप्लीट भी नहीं रह पाए। बहुत चले, बहुत चले, यहाँ आने के बाद तो बहुत चले, लास्ट में छोड़कर चले ही गए। एक कोई सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, उनको नहीं पता कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही नहीं है तो क्या करेंगे, होते तो बहुत कुछ करते थे, तो बहुत कुछ करते थे, अपने बीबी और बच्चे को कष्ट में नहीं देखते थे वो। अपने जैसे भी रह ले, अपने बीबी और बच्चे को कष्ट डालते थे। लोग मुझे वहां